फरीदाबाद में पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसे जय श्री राम सीनियर ग्रुप के सहयोग से आयोजित किया गया। मुख्य आयोजक जय श्री राम स्पोर्ट्स सिटी से सौरभ सिंह थे। इस नाइट महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने भाग लिया और फाइनल मैच पाम स्पेसर और आरपीएस टाइटंस क्रिकेट टीम में खेला गया, जिसे 51 रनों से आरपीएस टाइटंस क्रिकेट टीम ने जीता। यह एक जय श्री राम सीनियर लीग था। ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए मैं आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं। और जो इस तरह के टूर्नामेंट हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में हो रहे हैं, और ये हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, इनको भी मौका मिल रहा है, अपना एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है खेलने का, और इस तरह के टूर्नामेंट होते रहे। मैं इस आयोजकों को बोलूँगा कि जो भी हेल्प हमसे चाहिए और किसी तरह का भी कोई प्लेटफॉर्म या ग्राउंड या कुछ अरेंजमेंट चाहिए, वो हम अपनी तरफ से इनको मुहैया कराएंगे। जैसा देखा गया है देश दुनिया में, हरियाणा में हरियाणा की बेटियों ने पहलवानी में मेडल जीते हैं, लेकिन क्रिकेट में कहीं ना कहीं कमी रही है। हालांकि अब कुछ नाम उभर कर सामने आ रहे हैं, तो क्या फरीदाबाद से भी कुछ ऐसे महिलाओं का नाम आना तय रहेगा हरियाणा की टीम के लिए, इंडिया की टीम के लिए, जो इस तरह का ही प्रोत्साहन, मतलब इस तरह क्रिकेट में अगर हम बात करें तो पुरुषों के लिए सरकार तलवार, मोहित शर्मा, राकेश रत्रा और आपके विजय यादव, बहुत कई हमारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो हमारी नेशनल टीम में खेले हैं और जिन्होंने देश में विदेश में हमारा नाम रोशन किया है। अब हमारी महिलाएं भी आगे आ रही है, और ये जिस तरह से यहाँ पर एक आयोजन हो रहा है, इससे हमारी जो और बच्चे हैं, जो युवा हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी जो यंग बच्चे, उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि उनको देखकर वो भी एक इस खेल में खेलें। और हमारे यहाँ हमारी सरकार हर जगह कई एकेडमी और कई कोचेज, कई ग्राउंड बना रही है हर ज़िले में, और उससे एक इनको बूस्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और आगे हमें उम्मीद है कि हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ आगे इंडिया में हमारे हरियाणा का नाम रोशन करेंगे और हमारा जो इसका एक नाम हमारे ज़िले का भी और देश का भी नाम रोशन करेंगे। विमेंस टीम के देखने के लिए डबल ऑडियंस अवेलेबल होती है, तो बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, और आज फाइनल है तो आप माहौल देख सकते हैं। प्लस अभी तक हम अपने हस्बैंड्स को चीयर करने आते थे, तो ये अच्छा लगता है कि अब हमारे हस्बैंड्स हमें चीयर करने आ रहे हैं, सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। कितने हर्डल्स थे कि महिलाओं के लिए पहली बार टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, पुरुषों के लिए तो होता रहता है, मतलब घर से निकलना और इस पिच तक पहुँचना कितना चैलेंजिंग था? हमने मैनेज किया है, मतलब जो लोग वर्किंग हैं उसके साथ सुबह हमने प्रैक्टिस भी की है, देन इवनिंग में आफ्टर ऑफिस आवर्स ख़त्म करके हम मैच खेलने आते हैं। वी आर मैनेजिंग वेल, मतलब तो इट्स गुड। ना सबको मोटिवेट करना, मोटिवेट करके एक ग्राउंड में लाना, जहाँ पे जय श्री राम स्पोर्ट्स सिटी और जय श्री राम स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत हेल्प किया हमें, और हम एज ए पद्माया स्पोर्ट्स, हम इस स्कूल में, के आर मंगलम वर्ल्ड स्कूल में हमारा ये मेन सेंटर है, और स्कूल ने हमें बहुत कुछ अलाउंस दी, स्कूल ने हमें हेल्प किया कि हम वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन्स क्रिकेट खेलने के लिए सबको मोटिवेट करें। तो चैलेंजेस बहुत थे, टाइम को लेके चैलेंजेस थे, सबके ऑफिस होते हैं, ऐसे बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन जैसे सौरभ भाई हैं, हम लोगों ने ये बहुत ट्राई किया कि सबको इक्विवेलेंटली सबको खेलने का मौका मिले, सैटरडे संडे हो, वीकडेज हो, ऐसे करके अभी तो फिलहाल हमने अभी ये पहला हमारा टूर्नामेंट था जिसमें हमने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया है, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें जो चैलेंजेस अभी पता चले, हम सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पे इंटर सोसाइटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट हम करते रहेंगे, ट्राई करेंगे कि जितना हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, वुमेन क्रिकेट को डेवलप करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। मैम क्या नाम है आपका? ताशिका। ताशिका जी पहली सर ये एक बहुत अच्छा चांस वुमेन्स को मिल रहा है, बेसिकली जो हाउसवाइव्स हैं उन लोगों को घर से निकलने का चांस मिल रहा है, अपने आप को थोड़ा प्रूव करने का चांस मिल रहा है, प्लस जिनको नहीं आता है वो थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, तो ओवरऑल ये वुमेन एम्पावरमेंट भी है, प्लस वुमेन्स को और आगे फील्ड में जाने के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा चांस मिल रहा है।